अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। मोदी कान खोल कर सुन ले, हजबुल मुजाहदीन की धमकी, कश्मीरियों के साथ कुछ भी हुआ तो बाहर से आए हुए मजदूरों को मार डालेंगे। हजबुल मुजाहदीन के ऑपरेशन कमांडर रियाज नायको ने मंगल को जारी करदा 17 मिनट के ऑडियो में कहा, अगर किसी कश्मीरी के साथ कुछ होता है तो याद रखें कि जो लोग यहां मजदूर के तौर पर काम करने के लिए आए हुए हैं उन्हें वापस नहीं जाने देंगे, अगर जाएंगे भी तो सही मौत के मुंह में जाएंगे। पुलवामा में CRPF के काफिले पर जैश मोहम्मद के जरिए किए गए दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे मुल्क में कश्मीर के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी दरमियान हजबुल मुजाहिदीन ऑपरेशन कमांडर ने धमकी दी है, अगर किसी कश्मीरी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो बाहर से आए हुए किसी भी मजदूर को वापस नहीं जाने देंगे और नुकसान का जिम्मेदार मोदी हुकूमत ही होगी। पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद कई कश्मीरी को मुबैन तौर पीटा गया, रिहायश गाह से निकाला गया और बाद दफ़ा तो स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल कर भी मारा गया। जम्मू में कई गाड़ियों को जला दिया गया और तोड़फोड़ की गई। हजब के ऑपरेशन कमांडर रियाज नायको ने मंगल को जारी करदा 17 मिनट के ऑडियो में कहा, अगर किसी कश्मीरी के साथ कुछ होता है तो याद रखें, जो लोग यहां मजदूर के तौर पर काम करने के लिए आए हुए हैं इन्हें हम वापस नहीं जाने देंगे। रियाज नायको ने कहा कि कश्मीर में फ़ौज के जुल्म और सितम से पुलवामा जैसे वाकयात होते हैं और मज़ीद होते रहेंगे जब तक ये फ़ौज इधर कश्मीर में है। ऐसे वाकयात में हर रोज़ गए बगैर इजाफा होता रहेगा। जिस तरह खुदकश हमला आवर ने इस हमले को अंजाम दिया, ये हमला आवर खुदकश जिला पुलवामा का रहने वाला 21 साल का था जिसका ग्रेड सी था। ऑडियो में नायको ने कहा, अपनी फ़ौज को वापस बुला लें, पूरे हिंदुस्तान की इसी में भलाई है, वरना हम आए रोज़ फौजियों के सर काट कर फुटबॉल की तरह उनके साथ खेलेंगे। जो लोग फौजियों के कत्ल पर पछता रहे हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ये फौजी हमारी माएँ बेटियां बहनों के साथ बच्चों के साथ क्या काम करते हैं, इधर आके देखे तो सही। और हमें दहशतगर्द कहते हैं, इन्हें पता हो जाना चाहिए कि 2018 के बाद से एक अकेले हिंदुस्तान की फ़ौज ने एक ही दिन में 400 से ज़्यादा लोगों को अफसोसनाक मौत के मुंह में उतार दिया, तो इसका आखिर हमने बदला भी तो लेना था। नाजरीन, इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।